हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो। देख सकते हैं हमारे पास एक सैमसंग का 14 इंच का एक टीवी लेके आया हूँ। इस टीवी का प्रॉब्लम दिखाऊंगा, सॉल्यूशन करके भी बताऊंगा। तब तक हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और मेरा चैनल पर जो नया दोस्त है उसको कहूँगा मेरा चैनल का जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना और नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस टीवी का प्रॉब्लम क्या है वो पहले देख लेते हैं। दोस्तों जब मैं टीवी को पावर देता हूँ, पावर देने के बाद हमारा जो पावर इंडिकेटर होता है, पावर इंडिकेटर भी जल जाता है। जलने के बाद जैसे ब्लिंकिंग करना चाहिए वो कर रहा है, मतलब हमारा स्टैंड बाई सिस्टम सही है। उसके बाद देखते हैं क्या प्रॉब्लम होता है। वो वाला प्रॉब्लम को देखने के लिए कुछ देर के बाद हमारा टीवी पे जो पिक्चर आ रहा है वो सही तरीके से पिक्चर नहीं है, वो धुआं सा एक पिक्चर आ रहा है। और देख सकते हैं हल्का हल्का सा एक पिक्चर है और डिम होके हमारा पिक्चर है, एक क्लियरनेस नहीं है और धुआं सा एक पिक्चर दे रहा है। और हमारा टीवी पे जो क्लियरनेस होना चाहिए, क्लियर पिक्चर होना चाहिए, वो वाला नहीं आ रहा है। इसीलिए क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखेंगे कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है और इस प्रॉब्लम को रिपेयर करेंगे, कहाँ से हो रहा है वो देखेंगे। ठीक है, क्या करते हैं टीवी को ओपन कर लेते हैं, ओपन करने के बाद पता चलेगा। दोस्तों मैंने टीवी को ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद ये जो हमारा अल्ट्रासिम का ट्यूब है, 14 इंच का ट्यूब है और इसका योक कॉयल और ये रहा बेसबोर्ड, इस बेसबोर्ड पे प्रॉब्लम नहीं है, ये बेसबोर्ड पे ही प्रॉब्लम है दोस्तों। और ये मदर सेक्शन को भी चेक कर लेंगे जो मेन पीसीबी होता है, और मेन पीसीबी पे जो वोल्टेज है, वोल्टेज को चेक करने के बाद पता चल जाएगा हमारा मेन पीसीबी पे प्रॉब्लम है या हमारा बेस पीसीबी पे प्रॉब्लम है। इसीलिए एक एक चीज़ को चेक करना जरूरी है, नहीं तो एक साथ आप लोगों को दिखा दूंगा तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ था और कहाँ से रिपेयर हुआ। इसीलिए एक एक स्टेप को मैंने चेक करके आप लोगों को बताऊंगा, तो अच्छी तरह से पता चल जाएगा कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था और कैसे रिपेयर करते हैं इस सिस्टम को। ये जो धुआं सा पिक्चर आ रहा है, जो कोल्डी पिक्चर हो रहा है, ये प्रॉब्लम कहाँ से होता है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ टीवी को पावर दे देता हूँ। पावर देने के बाद देखेंगे कहाँ पर प्रॉब्लम है। दोस्तों मैंने पावर दे दिया हूँ और पावर देने के बाद हमारा जो पावर इंडिकेटर है, पावर इंडिकेटर जल भी चुका है। और जलने के बाद जो सिस्टम वोल्टेज होता है वो वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। जैसे इस वाला पॉइंट पे हमारा पावर सेक्शन से जो वोल्टेज निकलता है ये हमारा 120 वोल्ट जो होता है, ये देखिए 124 वोल्ट आ रहा है। और हमारा धुआं सा एक पिक्चर है जो क्लियरनेस नहीं है। हमारा सैमसंग टीवी पे क्या होता है, हमारा ब्लैक के ऊपर से हमारा एक एलजी लिखा आता है या नो सिग्नल लिखा आता है, लेकिन ये धुआं सा एक व्हाइट सा पिक्चर हो रहा है। और इस वाला प्रॉब्लम के लिए देखेंगे, और ये देखिए हमारा 124 वोल्ट आ रहा है। उसके बाद और एक वोल्टेज चेक करेंगे, ये देखिए इस पे हमारा वोल्टेज आ रहा है 6 वोल्ट, जो हमारा रेगुलेटर सिस्टम के लिए वोल्टेज दिया गया है। और इस पे एक वोल्टेज आता है जो हमारा 13 वोल्ट, जो हमारा साउंड सेक्शन से या हमारा कुछ साउंड सेक्शन पे दिया जाता है। मतलब हमारा सभी वोल्टेज ओके आ रहा है। और जो प्रॉब्लम बता रहा था, ये वाला और एक वोल्टेज है जो 12 वोल्ट के पॉइंट पर आता है, जो हमारा फीडबैक को सिस्टम को वोल्टेज दिया जाता है। ठीक है, सभी वोल्टेज हमारा जो पावर सेक्शन से निकलना चाहिए वो वाला वोल्टेज निकल रहा है। उसके बाद देखेंगे हमारा ईएसटी सेक्शन, जो हमारा 120 वोल्ट आके हमारा ईएसटी को रनिंग करने के बाद, हॉरिजॉन्टल रनिंग होने के बाद जो वोल्टेज तैयार हो, इस पे देख सकते हैं हमारा 200 वोल्ट दिख रहा है। और इस पे 16 वोल्ट प्लस 16 वोल्ट माइनस निकलता है, जो हमारा वर्टिकल सेक्शन के लिए दिया जाता है। और वो वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। ये हमारा 200 वोल्ट का कनेक्शन को चेक करेंगे। इस वाला पॉइंट पर 200 वोल्ट देखिए 195 निकल रहा है। उसके बाद ये वाला पॉइंट आ जाता है हमारा, इस वाला पॉइंट पे जो हमारा बेसबोर्ड को कनेक्टेड है और बेसबोर्ड को वोल्टेज देता है जो कलर फिल्टरिंग करने के लिए हमारा ट्रांजिस्टर को, आरजीबी कलर को, वो वाला पॉइंट को भी वोल्टेज को चेक कर लेंगे। क्योंकि ये वाला वोल्टेज का प्रॉब्लम होगा तो यही प्रॉब्लम देगा, इसीलिए मैंने इसको वोल्टेज को चेक करेंगे। देखिए 196 आ रहा है, मतलब हमारा जो वोल्टेज ईएसटी कॉइल से हमारा बेसबोर्ड पे आना चाहिए वो वाला वोल्टेज पहुंच रहा है। इस वोल्टेज पहुंचने के बाद भी इस वाला प्रॉब्लम दे रहा है, वो वाला सिस्टम को भी चेक करेंगे। उससे पहले 200 तो चेक कर लिया, उसके बाद चेक करेंगे हमारा ये 12 वोल्ट, 16 वोल्ट प्लस, और देखेंगे ये वाला 16 वोल्ट माइनस, मतलब हमारा 16 वोल्ट प्लस 16 वोल्ट माइनस मिल रहा है। इसीलिए हमारा पूरा पिक्चर है, जो अप डाउन का जो पिक्चर है वो पूरा पिक्चर आ रहा है। हमारा वर्टिकल वोल्टेज जो होता है
वो वाला वोल्टेज सही है, इसीलिए हमारा वर्टिकल सेक्शन काम कर रहा है। वो तो वोल्टेज हो गया है और 200 वोल्ट भी हमारा सही है, लेकिन उसके बाद हमारा रेगुलेटर वोल्टेज भी चेक करेंगे, जो हमारा इनपुट होता है 6.5 वोल्ट और आउटपुट होता है हमारा इस पे देखिए 5 वोल्ट। मतलब हमारा रेगुलेटर सिस्टम है रनिंग है, और रेगुलेटर सिस्टम रनिंग होने के बाद ही हमारा टीवी चालू हुआ है, नहीं तो हमारा सिस्टम चालू नहीं होता। और ईप्रोम पे भी चेक कर लेंगे, ईप्रोम पे हमारा मिलता है इस पे हमारा 5 वोल्ट, और HCLSD पे भी मिलता है हमारा 5 वोल्ट, जो हमारा 3.3 और 5 वोल्ट से कनेक्टेड है, और ये वाला 3.3। मतलब हमारा HCLSDA सभी काम कर रहा है, पूरा PCB जो हमारे मेन PCB होता है वो हमारा सही है, लेकिन हमारा सिस्टम कहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा है वो देखना पड़ेगा। बेसबोर्ड पे चला जाता हूँ, बेसबोर्ड पे जो सिस्टम है वो सिस्टम को चेक करने से पता चल जाएगा। एक तो हमारे बेसबोर्ड पे आता है पहले IK, सॉरी ये वाला IK नहीं दिया गया है, ये BK दिया गया है। मतलब ये ब्लू कलर का पॉइंट है जो हमारा 1.9 वोल्ट दिख रहा है, 2 वोल्ट दिख रहा है। उसके बाद आता है हमारा GK, मतलब ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर पे भी हमारा 1.8 दिख रहा है। और उसके बाद आता है हमारा RK, मतलब रेड कलर, रेड कलर भी हमारा 1.8 दिख रहा है। मतलब हमारा RGB जो निकल रहा है जो मेन IC से, वो वाला RGB हमारा ओके है। उसके बाद देखते हैं क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या वोल्टेज दिया गया है। ये हमारा IK के लिए वोल्टेज दिया गया है जो 5.8 बता रहा है, जो 5.8 वो तो आ गया है जो IK का वोल्टेज। उसके बाद ग्राउंड मिल रहा है, उसके बाद हीटर जो हमारे फिलामेंट को ऑन करने के लिए जो वोल्टेज मिलता है वो AC पे होता है, 2 से 3, 4 वोल्ट तक हो सकता है, वो ट्यूब के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद जो वोल्टेज होता है 200 वोल्ट, ये वाला जो हमारा HT से निकल रहा था 200 वोल्ट, वो वाला वोल्टेज आता है इस वाला पॉइंट पे, जो देख सकते हैं हमारा 200 वोल्ट भी ओके है। फिर भी हमारा सभी वोल्टेज ओके दे रहा है, लेकिन फिर भी हमारा टीवी का जो पिक्चर है वो धुआं सा एक वाइट कलर का पिक्चर आ रहा है। उसके बाद हमारा जो रेगुलेटर जो ट्रांजिस्टर लगाया हुआ है, जो फिल्टरिंग ट्रांजिस्टर, वो ट्रांजिस्टर फिल्टरिंग करने के बाद जो जो वोल्टेज जो IK GK और BK पे आना चाहिए वो वाला वोल्टेज वो चेक कर लेंगे। जैसे इस वाला पॉइंट पे चेक करते हैं, देखिए हमारा 156 वोल्ट आ रहा है, और दूसरा जो होता है इस वाला पॉइंट पे वो भी देखिए 1567 वोल्ट, वो भी सही है। उसके बाद देखेंगे इस वाला पॉइंट पे जो जीके भी हमारा 160 वोल्ट आ रहा है, 61 वोल्ट आ रहा है। मतलब हमारा बेसबोर्ड पे भी वोल्टेज का कुछ भी पॉइंट पे प्रॉब्लम नहीं है, मेन PCB पे प्रॉब्लम नहीं है। हमारा EHT तो हमारा हाई सेक्शन दे रहा है, लेकिन TV पे पिक्चर धुआं सा क्यों है वो पता होना चाहिए। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिस टेक्नीशियन को पता है वो तो सही है, नहीं तो जो नया टेक्नीशियन है हमारा चैनल पे, वो वाला टेक्नीशियन को मैं बताने की कोशिश करता हूँ कहाँ पे प्रॉब्लम होता है। ये तो हमारा 5 मिनट का काम था, लेकिन मैं क्यों इस वाला वीडियो बना रहा हूँ वो आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि ये वाला प्रॉब्लम कहाँ पे होता है दोस्तों, क्या हुआ हमारा इस बार प्रॉब्लम जो हो रहा है, ये धुआं सा जो व्हाइट वाला जो कलर आ रहा है, ये वाला बेसबोर्ड पे ही प्रॉब्लम है। बेसबोर्ड पे कहाँ पे प्रॉब्लम है, जो हमारा ये बेस लगाया हुआ है, ये वाला बेस पे हमारा प्रॉब्लम है, जो बेस हमारा क्लियर नहीं कर रहा है। जो फोकी स्क्रीन जो होता है हमारा EHT का स्क्रीन, और स्क्रीन का जो वायर लगाया हुआ है, ये स्क्रीन हमारा पिक्चर क्लियर नहीं कर पा रहा है, ये बेस हमारा ख़राब हो चुका है। इसीलिए क्या करेंगे, ये बेस को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद नया वाला बेस लगाएंगे, नया वाला बेस लगाने के बाद देखेंगे हमारा टीवी का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। ठीक है, मैं ये बेस को ओपन करके नया वाला बेस लगा लेता हूँ। दोस्तों मैंने पुराना बेस को चेंज करके नया वाला बेस लगा चुका हूँ, और लगाने के बाद इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। कनेक्ट करने के बाद देखेंगे हमारा जो टीवी का प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुआ है। ठीक है दोस्तों मैंने टीवी को पावर दे चुका हूँ, पावर देने के बाद पावर इंडिकेटर जल चुका है। जलने के बाद हमारा टीवी पे देखते हैं हमारा जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है। देखिए हमारा अभी तक हमारा ब्लैक के ऊपर हमारा स्क्रीन है, और स्क्रीन के ऊपर हमारा एक दिखा आना चाहिए। सैमसंग टीवी थोड़ा सा टाइम लेता है सिस्टम को चालू करने के लिए, और देखिए अभी तक धुआं सा प्रॉब्लम दे रहा है।
दोस्तों मैं जो बता रहा था, हमारा जो बेस था, ये बेस को चेंज करने के बाद भी हमारा बेस जो था, बेस को चेंज करने के बाद भी हमारा टीवी पे जो ब्लोअर पिक्चर था वो ब्लोअर पिक्चर रह गया था, जो व्हाइट सा पिक्चर आ रहा था। और लेकिन हमारा जो क्लियर पिक्चर आना चाहिए वो पिक्चर नहीं आ रहा था। मैंने तब क्या किया, ये वाला जो ESD था, ये वाला ESD मैंने चेंज कर दिया। चेंज कर देने के बाद हमारा टीवी का पिक्चर क्लियर हो चुका है। इसका नंबर आप लोगों को बता दूँ, 25 0218N, ये वाला ESD का नंबर था। मैंने नया वाला ESD लगा चुका हूँ, जो उसी का नंबर का, वही नंबर का लगा चुका हूँ, देख सकते हैं, 25 0218N, ये वाला ESD लगा चुका हूँ। लगाने के बाद देखिए हमारा जो टीवी का पिक्चर था वो पिक्चर कैसे आ रहा है। मैंने टीवी को पावर दे दिया, और पावर देने के बाद जो पावर इंडिकेटर जलना चाहिए, पावर इंडिकेटर भी जल चुका है। और जलने के बाद थोड़ी देर के बाद हमारा टीवी पे कैसे पिक्चर आ रहा है वो देख लेते हैं। दोस्तों सैमसंग का थोड़ा सा टाइम के बाद ही पिक्चर आता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। और ये देखिए हमारा जो नो सिग्नल लिखा आ रहा है, मतलब हमारा ब्लैक कलर का ऊपर, हमारा स्क्रीन के ब्लैक स्क्रीन का ऊपर हमारा नो सिग्नल लिखा आ रहा है। इस पे जब मैं ये भी लगाऊंगा पिक्चर सही हो जाएगा। और एक चीज़ बता दूँ दोस्तों, जो मैं बता रहा था हमारा जो ESD का जो स्क्रीन का जो पीसेट होता है, स्क्रीन का पीसेट जब तक हमारा सही तरीके से काम नहीं करेगा, हमारा का जो पिक्चर होता है वो पिक्चर क्लियर नहीं होगा। इसीलिए मैंने बेस को चेंज किया था, लेकिन उसका जो स्क्रीन का सिस्टम था, जो ये मोटा वाला जो रेड वाला वायर होता है, इसको कनेक्ट होता है, वो वाला बेस कनेक्ट कंट्रोल में लेता है, और उसका बेस पे जैसे फोका जो स्क्रीन का जो वोल्टेज दिया जाता है, वो वाला वोल्टेज जाएगा तो हमारा ट्यूब का पिक्चर क्लियर होगा। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, मेरा बेस सही था, लेकिन बेस पे जो हमारा वायर से कनेक्टेड जो हमारा वोल्टेज जा रहा था, वो वाला वोल्टेज हमारा कुछ प्रॉब्लम दे रहा था। जैसे हमारा ये पीसेट हमारा काम नहीं कर रहा था, या कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हमारा टीवी पे वो ब्लोअर पिक्चर आ रहा था, जो धुआं सा व्हाइट वाला जो पिक्चर आ रहा था, लेकिन हमारा पिक्चर क्लियर नहीं था। ये ESD खराब हो चुका था, इसीलिए मैंने क्या किया, ESD को चेंज कर दिया। ESD चेंज कर देने के बाद हमारा टीवी पे पिक्चर भी आ चुका है, जो ब्लैक के ऊपर हमारा नो सिग्नल लिखा होता है वो वाला पिक्चर आ चुका है। मैं क्या करता हूँ, ये भी कनेक्ट कर लेता हूँ। ये भी को कनेक्ट करने के बाद देखूँगा जो हमारा पिक्चर होता है वो पिक्चर कैसे आ रहा है। दोस्तों मैंने AV को कनेक्ट कर चुका हूँ, और कनेक्ट करने के बाद टीवी को पावर दे चुका हूँ। पावर देने के बाद पावर इंडिकेटर जल चुका है। जलने के बाद कुछ देर के बाद टीवी के पिक्चर आ जाएगा, और देखेंगे हमारा टीवी पे जो पिक्चर था वो पिक्चर कैसे क्लियर आ रहा है। जो हमारा टीवी पे ब्लोअर व्हाइट वाला पिक्चर आ रहा था, वो वाला पिक्चर हमारा क्लियर हो चुका है, और हमारा टीवी पे पिक्चर सही तरीके से आ चुका है। देख सकते हैं हमारे टीवी पे जो पिक्चर नहीं था वो पिक्चर भी क्लियर हो चुका है। मतलब दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम था, वो वाला प्रॉब्लम हमारा मेन PCB और हमारा बेस बोर्ड से कुछ भी सेक्शन पे प्रॉब्लम हो सकता था, लेकिन मैं पावर सेक्शन को चेक किया, सही था। हमारा ESD का जो वोल्टेज था, जो हमारा 200 वोल्ट या हमारा जो 16 वोल्ट प्लस 16 वोल्ट माइनस, वो सभी वोल्टेज हमारा सही था। रेगुलेटर वोल्टेज सही था, और हमारा इफ्रोम और मेन IC का जो वोल्टेज होता है वो भी सही था। और बेस बोर्ड पे जो हमारा RGB का जो वोल्टेज होता है, फिल्टरिंग करने के बाद, फिल्टरिंग करने से पहले, वो वाला वोल्टेज भी सही था, लेकिन हमारा ब्लोअर पिक्चर सही क्लियर नहीं हुआ था। मैंने वो ब्लोअर पिक्चर क्लियर करने के लिए बेस को चेंज किया था, लेकिन बेस चेंज करने के बाद भी हमारा जो पिक्चर था वो पिक्चर क्लियर नहीं हो पा रहा था, वो ब्लोअर ही होके रह गया था, और हमारा टीवी का जो पिक्चर था वो व्हाइट के ऊपर आ रहा था, और धुआं सा एक पिक्चर आ रहा था। मैंने तब क्या किया, वही स्क्रीन का प्रॉब्लम के लिए बेस को जब चेंज किया था, बेस चेंज करने के बाद नहीं हुआ तो मैंने ESD को चेंज किया। वही स्क्रीन का पिक्चर वोल्टेज का प्रॉब्लम था, और ESD को चेंज कर देने के बाद हमारा वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।